नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो हम बात करेंगे टाटा ग्रुप के टॉप 10 शेयर के बारे में। दोस्तों, टाटा ग्रुप का शेयर जो है वो एवरग्रीन है और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली है। आप इसमें इन्वेस्ट करके अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, आप स्टॉक मार्केट में अगर आप शेयर को नहीं ढूंढ पा रहे, अगर आपको शेयर मार्केट बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, तो आप टाटा ग्रुप के शेयर को कभी भी गिरावट होता है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और बेफिक्र रह सकते हैं। तो इसमें हम टॉप 10 शेयर आपको बताएंगे जिसमें किसी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2 शेयर 4 शेयर 5 शेयर, इवन आप 10 शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब शेयर जो अलग अलग सेक्टर से है। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में डर लगता है, आपको लगता है कि हम कैसे इन्वेस्ट करें, कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप टाटा ग्रुप के इन शेयर के साथ जा सकते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा एक ग्रुप है, तो इन ग्रुप ऑफ कंपनियों में आप इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हर सेक्टर से ये कंपनी है, अलग अलग सेक्टर से, और जो कई सारी कंपनियां हैं टाटा ग्रुप की, वो सेक्टर लीडर भी है। तो इस वीडियो में हम टॉप 10 शेयर जो है टाटा ग्रुप के जानेंगे। टाटा ग्रुप में बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन ये टॉप 10 कंपनियां फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, और जब भी आप गिरावट में इन्वेस्ट करते हैं, निश्चित रूप से आपको लॉन्ग टर्म में कभी भी कोई लॉस होने वाला नहीं है। पहला है TCS। देखिए, स्टॉक मार्केट की मार्केट कैपिटलाइजेशन में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस के बाद। तो रिलायंस के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है किसमें? मार्केट कैपिटलाइजेशन में। साथ ही साथ IT सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन में, और इसका मार्केट कैप देख लीजिए 12,37,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो काफी बड़ी कंपनी है, एक ब्लू चिप कंपनी है। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो देखिए 48.9%, तो जो कि मैक्सिमम होगा आपको इंडस्ट्री में देखेंगे, तो बहुत ही कम कंपनी का इससे ज़्यादा आपको मिलेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 39%, तो हर पैरामीटर्स पे ये काफ़ी कंपनी सॉलिड है। डिविडेंड यील्ड की बात है 1.14% का डिविडेंड यील्ड है, और प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें 72.2% का प्रमोटर्स होल्डिंग है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। और डेट टू इक्विटी की बात करें 0.09 डेट टू इक्विटी का रेशियो है, और कंपनी के ऊपर जो डेट है टोटल 7,795 करोड़ का। तो कुछ खास रेट नहीं है, क्योंकि अब कंपनी बहुत ही बड़ी है, और साथ ही साथ रिजर्व की बात 86,000 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। कंपनी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है, फ्री कैश फ्लो भी कंपनी का अच्छा खासा है, और कैश इक्विवेलेंट कंपनी के पास 9,000 करोड़ का है। तो आप समझ सकते हैं कि जो डेट है उससे ज़्यादा तो कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट पड़ा हुआ है। और अलग अलग पैरामीटर आपको देखने हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है इस क्वार्टर का लगभग 30% के पास है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। अगर बात करें कंपनी टेक्निकल चार्ट का, क्योंकि हमारा जो शेयर प्राइस में ग्रोथ है उसमें टेक्निकल चार्ट को देखना काफ़ी बेहतरीन होता है। अगर हम चार्ट पर देखते हैं तो प्राइस में भी ग्रोथ काफ़ी देखने मिला है। देखिए, थोड़ा बहुत कभी कभी गिरावट इस कंपनी में देखने मिला है। देखिए, यहाँ पर 2007 में हाई बनाया था 315 रुपीज़ का, वहाँ से गिरावट आया इस स्टॉक में तो 120 रुपीज़ तक आ गया था, मतलब काफ़ी बड़ा गिरावट था ये। और वहाँ से 120 रुपीज़ से ये जर्नी तय किया, तो डायरेक्ट ये स्टॉक जा कर के 1300 के ऊपर सस्टेन किया, और वहाँ से थोड़ा कंसोलिडेट होने के बाद 1080 रुपीज़ तक आया, और फिर वहाँ से ज़बरदस्त मोमेंटम ऊपर की ओर किया ये स्टॉक, और करेंट प्राइस जो है 3340 रुपीज़ है। तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन रिटर्न क्रिएट करके दिया है अपने इन्वेस्टर को। तो आप भी लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक के साथ जा सकते हैं। IT सेक्टर के स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप TCS के साथ जा सकते हैं। अगर आपको टाटा ग्रुप के साथ जाना है, क्योंकि टाटा ग्रुप आपको एक जो इन्वेस्टर फ्रेंडली मतलब इन्वायरमेंट देता है कि ये स्टॉक कभी भी अपने इन्वेस्टर को हर्ट नहीं किया है, हमेशा से वेल्थ क्रिएट करके दिया है, और आने वाले समय में भी ये ग्रुप अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके देगा अपने इन्वेस्टर को। और कभी भी कोई प्रॉब्लम आपको दिक्कत आता है किसी स्टॉक के साथ, आप वहाँ एग्जिट कर सकते हैं। अगर पूरे ग्रुप के साथ दिक्कत आ नजर आता है तो इस ग्रुप के सारे स्टॉक को आप एग्जिट कर सकते हैं। दूसरी कंपनी है टाइटन कंपनी। देखिए, टाइटन काफ़ी बेहतरीन स्टॉक, और करेंट मार्केट कैप की बात करें 1,53,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और बात करें किसके डिविडेंड यील्ड का, 0.23% का डिविडेंड यील्ड है, और 1732 रुपये के आसपास करंट प्राइस है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 13% है, और प्रमोटर्स होल्डिंग 52.9% है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट टू इक्विटी 0.75 है, तो डेट टू इक्विटी काफ़ी कम है। कंपनी के ऊपर जो टोटल डेट है 5,631 करोड़ का, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग 1,000 करोड़ के आसपास है। तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी अच्छी है, तो आप इस कंपनी के साथ भी लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। अगर बात करें लॉन्ग टर्म के
प्राइस ग्रोथ का, मतलब जो प्राइस में रिटर्न है उसकी बात। देखिए स्टॉक यहाँ पर आपको ये एडजस्टेड प्राइस है, देखिए 2000 के आसपास ये 3 रुपीज़ 4 रुपीज़ का स्टॉक दिख रहा है, ये एडजस्टेड प्राइस है। वास्तव में ये प्राइस 50 रुपीज़ के आसपास था, उस समय भी ये स्टॉक महंगा हुआ करता था, ऐसा नहीं कि ये स्टॉक 3 रुपीज़ में उस समय मिल रहा था। ये एडजस्टेड प्राइस है, बोनस और स्टॉक स्प्लिट के कारण शेयर को इतना बार तोड़ा गया है कि ये प्राइस आपको 4 रुपीज़ के आसपास दिखता है। अगर बात करें यहाँ से देख सकते हैं, तो अगर एडजस्टेड प्राइस की बात करें तो ये 3 रुपीज़ 4 रुपीज़ से ये स्टॉक यहाँ पर डायरेक्ट 80 रुपीज़ गया, 80 रुपीज़ से थोड़ा सा इस पर कंसोलिडेशन देखने मिला और लगभग 40% के पास कंसोलिडेट हुआ, मतलब गिरावट देखने मिला और फिर वहाँ से स्टॉक जर्नी तय किया, तो काफ़ी बेहतरीन मतलब यहाँ पर मोमेंटम दिखाया, 430 रुपीज़ तक जा चुका था और 430 से फिर देख सकते हैं अभी अपने ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक है। करेंट प्राइस यहाँ पर देख सकते हैं आज 9 रुपीज़ अप है, तो 1741 रुपीज़ है इस स्टॉक का प्राइस, तो अभी भी ये स्टॉक में काफ़ी पोटेंशियल बाकी है, अच्छा खासा रिटर्न ये आने वाले समय में आपको दे सकता है। उसके बाद तीसरा जो स्टॉक है वो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, एफएमसी सेक्टर में टाटा ग्रुप की बेहतरीन कंपनी जिसके साथ आप चाहे तो जा सकते हैं। मार्केट कैप की बात करें 69,000 करोड़ का मार्केट कैप है और रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड 8.85% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 6.13% है, प्रमोटर्स होल्डिंग 34.7% है, मात्र 1.20% शेयर प्लेज है। तो टाटा ग्रुप की कंपनी है, 34% प्रमोटर्स होल्डिंग, ये भी काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि आपको जो प्रमोटर्स होल्डिंग जितना बेहतर रहे, जैसे स्मॉल कैप लेते हैं तो उसमें 50-60% रहे तो ज़्यादा बेहतर है, लार्ज कैप कंपनी के साथ 40% भी चलेगा, टाटा ग्रुप का है तो 34% भी चलेगा, तो इन सारे पैरामीटर्स को हमेशा ध्यान रखना होता है। डेट टू इक्विटी की बात करें तो 0.11 है, तो काफ़ी कम डेट है कंपनी के ऊपर, और टोटल डेट की बात करें 1634 करोड़ का डेट है। नेट प्रॉफिट की बात करें 857 करोड़ का नेट एनुअल प्रॉफिट है, तो देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन है हर पैरामीटर्स पे ये कंपनी। अगर बात करें कंपनी के चार्ट का, तो जो चार्ट है इस शेयर के ग्रोथ का वो भी काफ़ी सॉलिड है, थोड़ा सा ये स्टॉक वोलेटाइल रहा है, देख सकते हैं उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव इस स्टॉक में काफ़ी देखने मिला है, लेकिन पिछले लगभग 2-3 सालों से इस स्टॉक में काफ़ी ग्रोथ देखने मिला है, लगभग 300% का पिछले 2-3 सालों में इस स्टॉक ने ग्रोथ दिखाया है, तो काफ़ी बेहतरीन है। अगर एफएमसी सेक्टर में आप टाटा ग्रुप के साथ जाना चाहते हैं तो आप टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। जब हम इसके इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे तो इसके बिजनेस को पूरी तरह से एनालाइज करेंगे डिटेल में। अगला है टेंट, टेंट लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, और अगर इस स्टॉक की बात करें तो ये भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न क्रिएट करके दिया है। अगर रिटेल सेक्टर में, रिटेल में जैसे डीमार्ट भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है, अगर डीमार्ट के साथ आप नहीं जाना चाहते हैं तो हमेशा बोली टाटा ग्रुप के ही साथ आप जाना चाहते हैं, तो अलग अलग सेक्टर से सारा स्टॉक है, अभी तक आपने ये चौथा स्टॉक दे रहा है, ये हमारा रिटेल सेक्टर से टाटा ग्रुप का स्टॉक, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक, 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और बात करें करेंट प्राइस का 850 रुपीज़ के आसपास करेंट प्राइस है, डिविडेंड 0.07% डिविडेंड यील्ड है, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड 2% है, रिटर्न ऑन इक्विटी निगेटिव है। और देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी निगेटिव होने का कारण क्या है, तो इस बार का जो इस फाइनेंशियल ईयर का 2021 का जो पैंडमिक के कारण प्रॉफिट है कंपनी का वो निगेटिव में, मतलब कंपनी इस बार लॉस की है, तो इसी कारण आपको रिटर्न ऑन इक्विटी निगेटिव दिख रहा है, नहीं तो कंपनी हमेशा प्रॉफिट किया है और प्रॉफिट भी लगातार कंपनी का इंक्रीज किया है। और टोटल डेट टू इक्विटी की बात करें तो 0.13 है, मतलब काफ़ी कम डेट है कंपनी के ऊपर, और डेट टोटल की बात करें 300 करोड़ का डेट है और प्रॉफिट जो है निगेटिव में, जैसा कंपनी इस बार लॉस की है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें 37% का प्रमोटर्स होल्डिंग है, कोई भी शेयर इसमें प्लेज नहीं है, तो हर पैरामीटर्स पे देख सकते हैं कि सारे के सारे स्टॉक जो है काफ़ी बेहतरीन है। थोड़ा सा पैंडमिक के कारण कुछ स्टॉक में आपको गिरावट देखने मिल सकती है, प्रॉफिट में गिरावट, सेल्स में गिरावट देखने मिल सकती है, जैसे कि रिटेल कारोबार भी प्रभावित हुआ है पैंडेमिक के कारण। अगर प्राइस ग्रोथ की बात करें तो देखिए काफ़ी सॉलिड चार्ट है ये, तो स्टॉक लगातार ग्रोइंग मोड में रहा है, देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन रिटर्न क्रिएट करके दिया है लॉन्ग टर्म में, और 6000% देख सकते हैं रिटर्न यहाँ पर दिखा रहा है चार्ट पे, तो 6000% जो कि एक मल्टी बैगर रिटर्न होता है, इस तरह के मल्टी बैगर रिटर्न लेने के लिए आप टाटा ग्रुप के स्टॉक के साथ जा सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा वेल्थ आपको हमेशा क्रिएट करके देगा। उसके बाद अगला है टाटा एलेक्सी, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, आप टाटा एलेक्सी के साथ जा सकते हैं, लेकिन अभी भी इसमें अगर काफ़ी ग्रोथ बाकी है तो निश्चित रूप से हम इसे मिड कैप स्टॉक बोलेंगे। जो स्टॉक मतलब जो कंपनी अपने बिजनेस में पूरी तरह से वेल एस्टेब्लिश हो जाती है, पूरी तरह से फैल जाती है, मतलब अपने बिजनेस में अब उतना ज़्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल नहीं दिखता है, तो उसको हम वेल एस्टेब्लिश ब्लू चिप कंपनी या लार्ज कैप कंपनी कहते हैं। इस
इसमें अभी भी काफ़ी ग्रोथ बाकी है इस स्टॉक में और करेंट मार्केट कैप 26,000 करोड़ है, तो हम इसे मिड कैप बोल सकते हैं। ऐसे जो है इस तरह के लार्ज कैप कंपनियों को, मतलब इतने बड़े मार्केट कैप को हम लार्ज कैप कंपनी में भी काउंट करते हैं, लेकिन अब जो पैरामीटर्स है वो कोई डिफरेंट नहीं है, तो इसको मिड कैप में भी रख सकते हैं। और डिविडेंड की बात करें 0.56% का डिविडेंड है, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाय 40% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 29.9% है, प्रमोटर्स होल्डिंग की बात 44.5% है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट इक्विटी की बात करें 0.05 है डेट इक्विटी, मतलब काफ़ी कम डेट है कंपनी के ऊपर। डेट की बात करें मात्र 73 करोड़ का डेट है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें 368 करोड़ का नेट प्रॉफिट है कंपनी का, तो देख सकते हैं एनुअल प्रॉफिट काफ़ी हाई है। तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी सॉलिड दिख रही है, तो आप इस कंपनी के साथ जा सकते हैं अगर आप मिड कैप कंपनी के साथ जाना चाहते हैं, वो भी आईटी सेक्टर में। और देखिए इस कंपनी का जो ग्रोथ है पिछले एक साल में, तो ये कंपनी ने काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाया है। मात्र 600 रुपीज का ये स्टॉक लगभग था और वहाँ से 4,000 का ये स्टॉक हो चुका है, तो देखिए कितना ज़बरदस्त ये स्टॉक ने रिटर्न दिया है। यहाँ पर रिटर्न की बात करें 500% से ऊपर का रिटर्न, अगर लॉन्ग टर्म में रिटर्न की बात करें तो 3,600% का रिटर्न दिया है। तो हर देख सकते हैं हर पैरामीटर्स पे ये सारे स्टॉक जो आपको काफ़ी बेहतरीन दिखेंगे, चाहे आप लॉन्ग टर्म के लिए लीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए लीजिए, हर टाइम फ्रेम पर भी ये स्टॉक आपको काफ़ी बेहतरीन दिखेंगे। लॉन्ग टर्म में देखिए, शॉर्ट टर्म देखिए, हमेशा पॉजिटिव रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। उसके बाद जो छठे नंबर पर कंपनी है वो इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन है। अगर करेंट मार्केट कैप की बात करें 16,000 करोड़ का करेंट मार्केट कैप है, और कंपनी डिविडेंड की बात करें 0.28% का डिविडेंड मिल रहा है, मतलब ये कंपनी भी काफ़ी शानदार है, काफ़ी लाजवाब है। और अगर बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग का, 40.8% का प्रमोटर्स होल्डिंग है, कोई भी शेयर ब्लेज नहीं है। डेट टू इक्विटी की बात करें 1.51 डेट टू इक्विटी का रेशियो है, मतलब कंपनी के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा डेट है, क्योंकि होटल इंडस्ट्री जो है काफ़ी दिनों से प्रभावित रहा है, जब से पैंडमिक आया है होटल इंडस्ट्री पूरी तरह से बंद है, इसलिए इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको निगेटिव में दिख रहा है। अब जब नेट प्रॉफिट निगेटिव में है तो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सारी चीज़ें भी आपको निगेटिव ही दिखेगा। और बात ये करें साथ ही साथ इसके चार्ट का, तो देखिए चार्ट काफ़ी अच्छा रहा है, चार्ट काफ़ी सॉलिड, लेकिन थोड़ा सा इस स्टॉक में साइक्लिक रहा है, मतलब एक साइकिल में ये गिरावट दिखाया है, तो एक साइकिल में काफ़ी बड़ा अप मूवमेंट दिखाया है, तो इस तरह से ये स्टॉक लगातार ग्रोइंग मोड में लेकिन रहा है, मतलब हमेशा इस स्टॉक में ग्रोथ ही देखने मिला है। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ इस स्टॉक ने दिखाया है। सातवें नंबर पर स्टॉक है वो है बोल्टास, मार्केट कैप है 33,000 करोड़, तो ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.49% का डिविडेंड यील्ड है, और करेंट प्राइस की बात करें 1,022 रुपीज़ इसका करेंट प्राइस है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15%, रिटर्न ऑन इक्विटी 11.3%, प्रमोटर्स होल्डिंग 30.3%, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट टू इक्विटी की बात करें 0.05 डेट टू इक्विटी का रेशियो है, और टोटल डेट की बात करें 261 करोड़ का है, जो कि कोई खास डेट नहीं है, लेकिन नेट प्रॉफिट के बाद 525 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व और इन्वेस्टमेंट भी है। अगर इस कंपनी के चार्ट की बात करें, कंपनी का चार्ट भी काफ़ी सॉलिड रहा है, अगर चार्ट पर देखिए तो ये स्टॉक काफ़ी मतलब वोलेटाइल तो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने मिला और काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी देखने मिला, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ, काफ़ी ज़्यादा गिरावट, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक ने काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दिया है अपने इन्वेस्टर को। देखिए 22,000% का रिटर्न, जो कि एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न है, तो इतने बड़े मल्टी बैगर रिटर्न अगर आपको चाहिए तो आप इन सारे स्टॉक के साथ जा सकते हैं। उसके बाद अगला है इस ग्रुप का, जो अगला स्टॉक है वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक, लेकिन दोस्तों ये पूरी तरह से एक साइक्लिक स्टॉक है, जो मेटल सेक्टर है इसमें एक बार आपको काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम, जैसा कि एक साल से इस स्टॉक ने 250 रुपया से 1200 तक का, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते 1 लाख तो ये रिटर्न आपको देता लगभग 4 से 5 लाख, इतना बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न दिया एक साल में। तो ये सारे स्टॉक एक लार्ज कैप होने के बावजूद इतना बड़ा रिटर्न देता है, लेकिन कब देता है, एक साइक्लिक प्रोसेस में, एक साइकिल में चलता है, एक अप साइकिल एक डाउन साइकिल, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, जब स्टॉक बॉटम पे मिल रहा है तभी इन्वेस्ट करें, नहीं तो ऊपर फंसते हैं तो लॉस तो आपको लॉन्ग टर्म में नहीं होगा, लेकिन आपका रिटर्न परसेंटेज काफ़ी कम हो जाएगा। तो इस स्टॉक में देख सकते हैं यहाँ पर 320 रुपीज़ 1 ईयर का दिखा रहा है, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाएंगे जैसे मार्च 2020 अप्रैल 2020, तो वहाँ पर मात्र 250 रुपये का स्टॉक मिल रहा था, यहाँ तक कि 250 से नीचे भी गया था। और डिविडेंड यील्ड देखिए काफ़ी शानदार 2.14%, अब इसको आप 5 टाइम्स नीचे लेते तो ये डिविडेंड 10% होता। अगर इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें 34.4% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.6, रिटर्न ऑन इक्विटी 10.8,
थोड़ा सा शेयर प्लेस भी है 1.55%, लेकिन ये कोई खास इश्यू नहीं है। लेकिन इस सेक्टर के जो सारी कंपनी है उसके ऊपर आपको डेट देखने मिलेगा ही। तो डेट टू इक्विटी देखिए 1.20 का है डेट टू इक्विटी, जो कि मतलब ठीक ठाक है, जो कोई खास डेट नहीं है कंपनी के ऊपर, क्योंकि इस सेक्टर में आपको डेट देखने मिलेगा ही मिलेगा कंपनी के ऊपर। तो टोटल डेट के बाद 88,000 करोड़ का है, जबकि रिजर्व देखिए 72,000 करोड़ का। कंपनी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। नेट प्रॉफिट 7,400 करोड़ का, तो नेट प्रॉफिट भी काफ़ी ज़बरदस्त है कंपनी का। वहीं टाटा स्टील के चार्ट की बात करें तो देखिए चार्ट किस तरह से लगातार मतलब साइकिल प्रोसेस में ग्रो किया है और फिर डाउन साइकिल भी दिखाया है। अब यहाँ से देखिए 2001 से लेकर के यहाँ तक में जो शेयर प्राइस में ग्रोथ है, यहाँ तक में 2001 से लेकर 2007 तक में लगभग 1700-1800% का रिटर्न दिया है। फिर यहाँ से काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट दिखाया इस स्टॉक ने। 2009 में मात्र 140 रुपीज़ का मिला था, वहाँ से फिर से ये ज़बरदस्त रिटर्न देता है अपने इन्वेस्टर को, लेकिन 300% का फिर से इसमें काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट होती है, फिर से मोमेंटम, फिर से काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट। और देखिए 2015 से फिर से ये स्टॉक ने काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाया और लगभग 226% का मतलब रिटर्न दिया, फिर से इसमें गिरावट होती है। और फिर से यहाँ देखिए 2020 में ये अपना लो बनाता है 275 रुपीज़ का, और 275 से फिर से ये ज़बरदस्त रिटर्न देता है वहाँ से 300% का। तो इस तरह से इस स्टॉक ने काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। और करेंट प्राइस देखिए 1167 रुपीज़ है, जो कि अच्छा खासा प्राइस पे अभी स्टॉक मिल रहा है, अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो इसलिए कभी भी जब गिरावट होती है, जब ये अपना राउंडिंग बॉटम पैटर्न देखते हैं, हमेशा ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है, तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न पे जैसे ये बॉटम अपना फाइंड आउट कर लेता है, उसके बाद आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो 9th नंबर पे जो स्टॉक है टाटा ग्रुप का, वो है टाटा केमिकल्स। देखिए ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, अगर गिरावट है इसमें भी आप इन्वेस्ट करते हैं। अगर केमिकल सेक्टर कुछ दिनों अंडर परफॉर्म भी होता है तो लॉस नहीं होगा अगर आप गिरावट के समय इन्वेस्ट करते हैं। और एक मिड कैप कंपनी है, मिड कैप के साथ जाना चाहते हैं तो आप टाटा केमिकल के साथ जा सकते हैं केमिकल सेक्टर में। करेंट प्राइस 724 रुपीज़ है और डिविडेंड काफ़ी शानदार है 1.38%, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड 4.5%, रिटर्न ऑन इक्विटी 1.73%, तो ये काफ़ी कम है। प्रमोटर्स होल्डिंग 38%, कोई भी शेयर प्लेस नहीं है। डेट टू इक्विटी काफ़ी कम है 0.49। टोटल डेट की बात है 6,933 करोड़ का टोटल डेट है। वहीं नेट प्रॉफिट के बाद 256 करोड़ का नेट प्रॉफिट है और रिजर्व जो है 14,000 करोड़ का है। इन्वेस्टमेंट जो है कंपनी 5,800 करोड़ का कर रखा है। तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी सॉलिड दिख रही है। अगर बात करें वहीं कंपनी के चार्ट का, तो देखिए चार्ट पे भी शेयर प्राइस लगातार ग्रो किया है, दिख सकते हैं। आप किसी भी समय गिरावट में इसमें इन्वेस्ट किए रहते हैं तो कभी भी आपको लॉस नहीं होता, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा 2,862% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न है, 28 टाइम्स आपके इन्वेस्टमेंट को किया है, तो जो कि काफ़ी बेहतरीन रिटर्न है, एक मल्टी बैगर रिटर्न है। अब उसके बाद आता है 10th नंबर पर रैलीज इंडिया। रैलीज इंडिया ये भी काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक है। अगर मार्केट कैप की बात करें 6,318 करोड़ का मार्केट कैप है, और रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड 18.2% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.2% है, डिविडेंड यील्ड 0.92% का है, करंट प्राइस 325 रुपीज़ का। तो हर पैरामीटर्स पर देख लीजिए कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। प्रमोटर्स होल्डिंग 50.1% का है, कोई भी शेयर प्लेस नहीं है, डेट टू इक्विटी 0.05 का है, मतलब हर पैरामीटर्स पर देख लीजिए कंपनी काफ़ी सॉलिड दिख रही है। कंपनी का ऊपर जो टोटल डेट है मात्र 75 करोड़ का है, तो एक छोटी कंपनी भी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। नेट प्रॉफिट 229 करोड़ का है, तो कंपनी का नेट एनुअल प्रॉफिट काफ़ी बेहतरीन है। और साथ ही साथ कंपनी एग्रो केमिकल में है, ये कंपनी केमिकल में नहीं एग्रो केमिकल में है, तो आप एग्रो केमिकल के साथ जाना चाहते हैं इस स्टॉक के साथ जा सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म में रिटर्न की बात करें 2,900% का रिटर्न दिया है, लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन है, एक मल्टी बैगर रिटर्न है, और साथ ही साथ एक स्मॉल कैप कंपनी है, और अगर यहाँ से ग्रोथ दिखाता है तो और आपको बेहतरीन रिटर्न जो है इसमें आपको होता हुआ दिखेगा। तो इस तरह से टाटा ग्रुप के कुल 10 शेयर थे जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कभी भी गिरावट मिले आप इन सब स्टॉक के साथ जा सकते हैं। अगर करेंट प्राइस की बात करें रैलीज इंडिया का 321 रुपीज़ है। साथ ही साथ दोस्तों बता दें, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके हमें मोटिवेट जरूर करें, और जब आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।